हेलो एवरीवन, मैं वंदना और डेविलिशी डिलीशियस में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक समर स्पेशल डेजर्ट, मैंगो क्रीम और मिक्स फ्रूट क्रीम। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंगो क्रीम और फ्रूट क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रेश क्रीम। यह अमूल की फ्रेश क्रीम है। यह 1 लीटर का बॉक्स है जिसे मैं 2 बाउल में आधा आधा करूंगी। यह क्रीम आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इस मैंगो क्रीम और फ्रूट क्रीम में ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें हम जो फ्रूट्स डालेंगे वह भी स्वीट ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शक्कर, यानी कि 50 ग्राम शक्कर है यह, यानी आधा किलो क्रीम में आपको 50 ग्राम शक्कर लेनी है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी शक्कर ले सकते हैं। तो इन दोनों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे केसर। केसर को मैंने थोड़ा सा दूध में भिगो लिया था। आप चाहें तो केसर को स्किप भी कर सकते हैं, पर केसर डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। केसर डालने के बाद हम इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि साथ ही शक्कर भी गल जाएगी। केसर के बाद हम इसमें डालेंगे काजू। यहाँ मैंने टुकड़ी काजू लिया है, आप चाहें तो आखा काजू भी ले सकते हैं, उसके टुकड़े करके डाल सकते हैं। काजू की क्वांटिटी जितनी अच्छी होगी यह उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो इसे भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बादाम किशमिश भी डाल सकते हैं, पर यह क्रीम काजू से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इस क्रीम में हम डालेंगे मैंगो पल्प। तो यह मैंगो को मैंने थोड़ा सा दूध के साथ पीस लिया है और इसे छान लिया है। इसमें मैंने शुगर बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो यहाँ मैंने 2 मैंगो का पल्प लिया है। आपके मैंगो साइज में कैसे हैं यह उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप यहाँ पर कोई भी आम ले सकते हैं, बादाम आम, हाफूस आम, जो आम आपको पसंद हो वह आप ले सकते हैं। मैंने इसमें करीब करीब 1 कप मैंगो प्यूरी डाली है और इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो प्यूरी के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए आम। तो मैंने यहाँ पर 4 हाफूस आम काटे हैं, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़े से आम हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसे भी आप बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर आम की क्वांटिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए। क्रीम बिल्कुल भी पतली नहीं रहनी चाहिए। हमारी मैंगो क्रीम एकदम रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है तो पतली भी नहीं है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे करीब 3 से 4 घंटे एकदम ठंडा होने के लिए। उसके बाद ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम बना रहे हैं फ्रूट क्रीम। इसमें मैं क्रीम में डाल रही हूँ 1 बड़ा कप भर के बनाना, 1 बड़ा कप एप्पल। यहाँ पर मैंने 3 बनाना लिए हैं और 2 एप्पल लिए हैं, 1/2 कप अनार। आप इसमें चाहें तो और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, कीवी, स्ट्रॉबेरी। मुझे फ्रूट क्रीम ये 3 फ्रूट के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। यहाँ भी आप क्रीम की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट है। इसे भी हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जैसे ही इसे फ्रिज में से हम निकालेंगे ये थोड़ी और गाढ़ी लगेगी। यदि आपको ज़्यादा गाढ़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर सकते हैं। इसे भी मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। हमारी दोनों क्रीम, मैंगो क्रीम और मिक्स फ्रूट क्रीम, दोनों ही रेडी हो गई है। इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। बहुत ही अच्छी ठंडी हो गई है और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। यदि आप पतली खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस पर हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे थोड़े से अनार, थोड़ी से काजू के टुकड़े और 1 मिंट लीव। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से मैंगो के टुकड़े, थोड़े से काजू के टुकड़े और 1 मिंट लीव। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप कोई भी पार्टी हो
इसे पहले ही बना के फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।